मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। लेटिन शहर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सूबाई हुकाम का आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। अफगानिस्तान में तालिबान के इक्तदार को 2 साल मुकम्मल। कैनेडियन अफगान खवातीन का कैनेडियन हुकूमत से बड़ा मुतालबा। खवातीन के ग्रुप का कहना है कि वो तालिबान के खिलाफ बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाना चाहते हैं। कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट की ऐवान में वापसी। ट्रूडो का कहना है कि मईशत और काबिल बर्दाश्त मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। काबीना का इजलास 21 अगस्त से 23 अगस्त तक शार्ल टाउन में होगा। डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबात में मदाखलत के इल्ज़ाम पर फर्दे जुर्म आए। डोनाल्ड ट्रंप के 18 इत्तेहादियों पर भी इंतखाबात में मदाखलत की फर्दे जुर्म आए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये चौथा मुजरिमाना मुकदमा है। रूस में पेट्रोल स्टेशन पर आग लगने से हलाकतों की तादाद 35 हो गई। आग पर काबू पाने के लिए 260 फायर फाइटर्स को तैनात किया गया था। हुकाम का कहना है कि आग लगने की वजूहत जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इकोफ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इकोफ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के शहर लीटन में कनाडा के किसी भी शहर में अब तक का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। जब पीकी से पहर पारा 41.4 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के शहर लीटन में कनाडा के किसी भी शहर में अब तक का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। जब पीर की से पहर पारा 41.4 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ये सूबे भर में गिरने वाले कम से कम 16 यौमिया दर्जा हरारत के रिकॉर्डों में से एक था, क्योंकि गर्मी की एक अहम लहर सूबे के जनूबी निस हिस्से में दाखिल हुई, जिसकी वजह से सूबाई हुकाम ने आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की। एनवायरमेंट कनाडा ने ज्यादातर ब्रिटिश कोलंबिया मसीह में गर्मी की वार्निंग और मौसम के खसूसी बयानात जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि जुनूब मगरिब में दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड तक और मजीद मशरिक में 39 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को है। एमरजेंसी मैनेजमेंट की वजारत ने कहा है कि 2021 के हीट डोम का इम्कान पेशगोई में नहीं है, जिसने 600 से ज्यादा जानें ले लीं, लेकिन लोगों को गर्मी से बचने, पानी पीने और सरगर्मियों को महदूद करने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तनबीह कर रही है। कैनेडियन अफगान खवातीन के ग्रुप का कहना है कि वो तालिबान के खिलाफ बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाना चाहते हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। काबुल पर तालिबान हुकूमत की दूसरी सालगिरह के मौके पर अफगान खवातीन कनाडा से लड़कियों की तालीम में हासिल होने वाले फवायद के तहफ्फुज़ और दहशतगर्द ग्रुप के लिए कानूनी हैसियत के खिलाफ मज़ाहमत करने के लिए उनके साथ शामिल होने के लिए कह रही हैं। दरी असना आटोवा ने यह नहीं बताया कि कनाडा के तरक्याती ग्रुप कब अफगानिस्तान में मंसूबे शुरू कर सकेंगे। अफगान खवातीन का कहना है कि ये एक मुकम्मल इंसानी और इंसानी हकूक का बहरान है, जो 2 सालों से जारी है। अफगान खवातीन के लिए काम करने वाले एक ग्रुप का कहना है कि वो तालिबान के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम के लिए बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाना चाहते हैं। अफगान बाशिंदों के दरमियान इस बारे में एक अजियतनाक बहस जारी है कि आया ममालिक को तालिबान के हुक्मरानी को कबूल करना चाहिए और भूख के खात्मे के लिए उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, या मुल्क पर
दहशत गर्द गिरोह की गिरफ्त को कमजोर करने की उम्मीद में उसूलों पर कायम रहना चाहिए। अक्वाम मुत्तहदा की एजेंसीज को भी इसी तरह तकसीम किया गया है। कुछ ऐसी सरगर्मियां मौतल हैं जो खवातीन और दीगर अपने काम को तमाम मर्द टीमों तक महदूद करती हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि 3 रोज़ा वफाकी काबीना का इजलास जो अगले हफ्ते प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में होने वाला है, इसमें मईशत और काबिल बर्दाश्त मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि 3 रोज़ा वफाकी काबीना का इजलास जो अगले हफ्ते प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में होने वाला है, इसमें मईशत और काबिल बर्दाश्त मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। ये इजलास पिछले महीने की काबीना के रद्दोबदल के बाद होने जा रहा है, जिसने देखा कि उनके फ्रंट बेंच ने कैनेडियंस के साथ बेहतर तौर पर बातचीत करने और पॉकेट बुक के मसाइल को हल करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर नए अहदों पर काम किया। काबीना का इजलास 21 अगस्त से 23 अगस्त तक शॉर्ट टाउन में होगा। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद अराकीन पार्लियामेंट 18 सितंबर को हाउस ऑफ कॉमन्स में वापस आने वाले हैं। एक बयान में ट्रूडो का कहना था कि इस इजलास में मजीद मकानात की तामीर, सेहत की देखभाल को बेहतर बनाने और मौसमियाती तब्दीली से लड़ने पर भी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा के वक्फे के दौरान उन्होंने सुना है कि कैनेडियन इन मसाइल पर क्या कह रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि एतकाफ में पेशरफ होगी। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जॉर्जिया के इंतखाबात में मदाखलत के इल्ज़ाम पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ग्रैंड ज्यूरी ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जॉर्जिया के इंतखाबात में मदाखलत के इल्ज़ाम पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 के सदारती इलेक्शन में मदाखलत से मुतालिक मुकदमे पर फर्दे जुर्म आयद की गई है। डोनाल्ड ट्रंप के 18 इत्तेहादियों पर भी जॉर्जिया में 2020 के इंतखाबात में मदाखलत की फर्दे जुर्म आयद की गई है। ग्रैंड ज्यूरी ने पीर को एक दिन की समाअत के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर फर्दे जुर्म आयद की। इस्तगासा ने जॉर्जिया में 2020 के इंतखाबात पलटने के लिए ट्रंप की कोशिशों पर सबूत पेश किए थे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फर्दे जुर्म जज रॉबर्ट मैकबर्नी ने जारी की। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये चौथा मुजरिमाना मुकदमा है। वाज़ेह रहे कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर 6 जनवरी हमले समेत दीगर मुकदमात में भी फर्दे जुर्म आयद हो चुकी है, जबकि वो आइंदा साल होने वाले अमरीकी सदर के इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और इसके लिए वो रिपब्लिकन्स की नामजदगी हासिल करने के लिए कोशां हैं। रूस में पेट्रोल स्टेशन पर आग लगने के वाक़े में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 35 हो गई, जबकि 80 अफराद जख्मी हैं। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस में पेट्रोल स्टेशन पर आग लगने के वाक़े में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 35 हो गई, जबकि 80 अफराद जख्मी हैं। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल स्टेशन में आग लगने का वाक़या दागिस्तान के शहर माखुचकाला में पेश आया। माखुचकाला रियासत दागिस्तान का दारुल हुकूमत है, जो कि बहीरा कैस्पियन समंदर पर वाक़या है। हुकाम का कहना है कि शदीद जख्मियों को वहां से मास्को लेकर जाने के लिए एक तैयारा माखुचकाला रवाना कर दिया गया है। दागिस्तान इंतजामिया के सरबरा सरगई मालिकोव ने टेलीग्राम पर बताया कि ये धमाका रात 9:40 पर हुआ। हुकाम के मुताबिक आग लगभग 600 मुरबा मीटर यानी 6,450 मुरबा फिट के रकबे पर फैली। आग पर काबू पाने के लिए 260 फायर फाइटर्स को तैनात किया गया था। उधर रूस की हंगामी वजारत ने मंगल को इत्तला दी कि कुल 105 अफराद जख्मी हुए हैं। दागिस्तान के गवर्नर सरगई मालिकोव ने कहा कि हलाक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि जख्मी होने वाले अफराद में 13 बच्चे शामिल हैं। फायर ब्रिगेड के अमले ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।